हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है क्रिकेट एक्सपर्ट। तो अभी हम बात करने वाले हैं ECS T10 वेनिया में होने वाले दूसरे मैच की। यहाँ पर जो मैच होने वाला है, ऑस्ट्रिया CC और पाकिस्तान CC के बीच में मैच होने वाला है। यहाँ पर अभी तक अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं कर रहे हो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, क्योंकि फाइनल अपडेट आपको वहीं पर मिलने वाला है। यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, ये आज पूरी की पूरी लीग हम कवर करने वाले हैं। मैंने आपको कल भी बता दिया था, सुबह की जो वीडियो थी उसमें बता दिया था कि सारे के सारे मैचेस हो। सो मैंने टेलीग्राम पर भी आपको बता दिया कि सारे के सारे मैचेस हम कवर करने वाले हैं। कल परसों दो दिन में हमने सारे मैचेस कवर नहीं करे थे, थोड़ा बिजी चल रहा था मैं इस वजह से। पर यहाँ पर आज जो है सारे के सारे मैचेस कवर करने वाला हूँ। अभी दूसरा मैच है, दूसरे मैच की वीडियो भी आपको मिल जाएगी, और यहाँ पर बीच ही में आपको जो है इस मैच की हीरो CPL T20 इसकी भी वीडियो मिल जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैच है और सबके सब क्वालिटी क्रिकेट देखना चाह रहे हैं और सबके सब इस लीग का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। इंटरनेशनल प्लेयर हमें देखने को मिलेंगे, एक स्टैंडर्ड हमें बढ़ता हुआ दिखेगा। वही मतलब इंटरनेशनल प्लेयर खेलेंगे तो स्टैंडर्ड तो ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। ECS T10 की तरह नहीं रहेगी ये लीग। ECS T10 जैसी प्लेयर जो जैसी लीग कर रही है वो तो मतलब बिल्कुल ही लो स्टैंडर्ड आप मान के चलो, क्योंकि ज़्यादा बढ़िया प्लेयर्स नहीं हैं और ज़्यादा बढ़िया मतलब इनके रिकॉर्ड्स भी नहीं है। और यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ तो एक लीग बढ़िया हुई थी जो मतलब ग्राउंड पर हुई थी, एक मलेशियन बैच थी, और दूसरी जो थी वो मैं आपको बताऊं, दूसरी थी वो जो वहाँ पर हुई थी स्विट्ज़रलैंड या सिंगापुर, वहाँ कहीं पर हुई थी वो वाली लीग की मैं बात कर रहा हूँ। वो दोनों के स्टैंडर्ड ठीक ठाक थे, पर उसके अलावा और कोई भी स्टैंडर्ड बढ़िया नहीं था प्लेयर का, अब यहाँ पर टीम्स का। और यहाँ पर अभी जो है हम यहाँ पर पूरी की पूरी डिटेल डिस्कस कर लेंगे, हर एक प्लेयर की हम बात कर लेंगे। यहाँ पर अभी तक अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, क्योंकि फाइनल अपडेट आपको यहीं पर ही मिलने वाला है। यहाँ पर अगर आपको ऑथेंटिकेशन चाहिए तो इंस्टाग्राम का मैंने हैंडल डाल रखा है यहाँ पर अपने, तो यहाँ पर आपको फाइनल अपडेट फुल डिटेल यहीं पर मिलेगी। सारी की सारी डिटेल यहाँ पर अप टू डेट रहती है, यहाँ पर आपको सारी की सारी डिटेल मैं प्रोवाइड करवाता रहता हूँ, तो यहीं पर आपको फाइनल अपडेट मिलेगी। अभी जो हम यहाँ पर टीम की बात डिस्कस कर लें, दूसरा मैच है टूर्नामेंट का, खेला जाएगा यहाँ पर ऑस्ट्रिया क्रिकेट क्लब और यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट क्लब के बीच में सिबरन क्रिकेट ग्राउंड में मैच होने वाला है। 2:30 बजे मैच लाइव देखने को मिलेगा, फैन कोर्ट पर आप इस मैच को लाइव देख सकते हो। वेदर रिपोर्ट की अगर मैं बात करूँ, 80% चांसेस हैं। सुबह जो अभी मैच हो रहा है ना उसमें 60% चांसेज हैं और दूसरे मैच में 80% चांसेज हैं। हो सकता है कि रेन हो जाए। यहाँ पर 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच में टेम्परेचर रहने वाला है। पिच रिपोर्ट की अगर मैं बात करूँ, जो T10 के मैचेस यहाँ पर हुए थे, T10 के जो जितने ही मैचेस यहाँ पर हुए थे उसमें जो एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर रहा है वो रहा है 90 का। रिकॉर्ड ऑफ चेजिंग की अगर आप बात करो, 5 बार चेस करते हुए टीम हारी है, चेस करते हुए टीम जीती ही नहीं है, डिफेंड करते हुए टीम्स जीती हैं। यहाँ पर पाकिस्तान CC क्लब की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर ये प्लेइंग 11 रह सकती है। एक बार आप प्लेइंग 11 भी देख सकते हो कि अच्छा क्या प्लेइंग 11 रह सकती है, पर यहाँ पर सीधे सीधे स्टैट्स की हम बात करेंगे। जितने प्लेयर्स के स्टैट्स मिले सारे के सारे लेकर आया हूँ। पाकिस्तान स्क्वाड की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर अगर आप देखो, अर्सनाल अरीफ आपके पास है, 4 मैच में 31 रन एवरेज, 7.7 की स्ट्राइक रेट, 68 की। एक अर्सनाल अरीफ पहले भी खेल चुका है, वो मैं आपको बताऊँ वो प्लेयर बहुत बढ़िया था। अब ये नहीं पता ये प्लेयर वही है कि नहीं है, पर वो नहीं होंगे यार, मतलब यहाँ तो ऑस्ट्रिया की लीग हो रही है, वो अलग लीग थी। अमर नईन की अगर मैं बात करूँ, 4 मैच में 4 इनिंग में 98 रन, बहुत बढ़िया प्लेयर है। इस प्लेयर को हम अपनी टीम में से नहीं जाने दे सकते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, जेसन हरीफ आपके पास है, 4 मैच में 70 रन, यहाँ पर एवरेज 17 की है, स्ट्राइक रेट 116 की है, ओवर 2 करवाए हैं, विकेट 0, आपको बॉलिंग प्लस बैटिंग दोनों करवा के दे सकता है, मतलब एक आधा ओवर आपके लिए करवा सकता है। रेगुलरली नहीं करवाएगा, पर बीच में किसी एक मैच में करवा के आपको चला जाएगा। रमीश की अगर मैं बात करूँ, रमीश मलिक, ये 2016 के स्टैट्स मुझे मिले हैं। दो यहाँ पर ओवर जो मैचेस जो खेले हैं, 2 रन जो इसने करे हैं, 24 करे हैं। उसके बाद उमर तारिक हमारे पास हैं, 3 मैच में 2 इनिंग में 8 रन, ओवर 1 करवाया, विकेट यहाँ पर 0 चटकाई है, वो 09 नहीं है, वो 0 है, कॉमा लिखने के चक्कर में 9 लिख गया वहाँ पे। उसके बाद इकनॉमी 7 की रही। उसके बाद सवीस की अगर आप बात करो, 4 मैच में 2 इनिंग में 5 रन, बस आपको ओवर करके दे सकता है। यहाँ पर ये है कि भैया आपको ओवर करवा के दे देगा। इनके प्लेयर्स नीचे ज़्यादा बढ़िया आपको दिखेंगे। सिकंदर हयात की अगर मैं बात करूँ, 4 मैच में 3 इनिंग में 45 रन, स्ट्राइक रेट 187 का, ओवर यहाँ पर 15 करवाए, विकेट 7, ये देख सकते हो आप ये कितना बढ़िया प्लेयर है सिकंदर हयात, ये प्लेयर आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। उसके बाद एस खान आपके पास हैं, रन जो इस मैचेस जो खेले हैं 10 खेले हैं, यहाँ पर अगर इंटरनेशनल मैचेस भी इसने खेले हैं अपनी ऑस्ट्रेलिया की टीम के लिए, 329 रन, यहाँ पर एवरेज 36 की, स्ट्राइक रेट 141, ओवर 36, विकेट 10, यहाँ पर इकनॉमी जो है 5.8 की है। उसके बाद अगर आप बात करो, अब्दुल्ला हमारे पास हैं, 1 मैच में 2 रन, ओवर 4 करवाए हैं, विकेट 0, आपको
पूरे ओवर करवा के देगा ये प्लेयर। उसके बाद यहाँ पर नवीद की अगर मैं बात करूँ, 4 मैचेस में 81 रन एवरेज, 20 की स्ट्राइक रेट, 137 ओवर 12 विकेट, 3 इकोनॉमी 10 की। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ बिलाल, 3 मैचेस में 91 रन एवरेज, 30 ओवर 11 विकेट 1 और इकोनॉमी 6.36। ये प्लेयर आपके लिए बहुत बढ़िया, आप देख सकते हो इसके स्टैट्स भी। अब यहाँ पर मोहम्मद की अगर मैं बात करूँ तो मोहम्मद 2016 का इसके स्टैट्स मिले, 1 मैच में 13 रन बनाए थे, 3 ओवर करवाए थे और विकेट 0। अगर ये खेलता है तो मुझे लगता है कि भैया आपको ओवर कंप्लीट करवा के देगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास जे सदरान है, 3 मैच में 30 रन एवरेज, 15 की स्ट्राइक रेट, 230 की ओवर देखो तो 9 करवाए हैं, विकेट यहाँ पर 7 चटकाई हैं, बहुत बढ़िया प्लेयर आपके लिए। उसके बाद अगर मैं बात करूँ आई दीदार आपके पास है, 3 इनिंग में 66 रन ओवर 14 विकेट 5। यहाँ पर ये आपको बॉलिंग सेक्शन में दिखाई देगा पर ये बैटिंग भी कर सकता है, आपको नीचे आके हिटिंग दे सकता है। उसके बाद इसरार अहमद आपके पास है, 2 मैचेस में ओवर 5 विकेट 1 नॉमी 5.4। उस्मान गोल T20 में 2019 के स्टेट्स की अगर मैं बात करूँ, 2 मैचेस में 6 ओवर करवाए थे, 3 विकेट चटकाई, इकनॉमी 1.5। तो अगर ये खेलता है तो आपको फुल ओवर करवा के दे देगा। अपडेटेड टीम आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ऑस्ट्रिया क्रिकेट क्लब की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर अगर आप प्लेइंग 11 की देखो तो भैया ये प्लेइंग 11 आपको देखने को मिल सकती है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ऑस्ट्रिया सीसी की तो ये जो हमारे पास टी रिजाई हैं, ये प्लेयर 2 मैचेस 0 रन, ना इसकी बैटिंग आई ना बॉलिंग आई। उसके बाद जमील हमारे पास है, सारे के सारे स्टैट 2020 के हैं, ठीक है। उसके बाद 3 मैचेस में इसने तो खेले हैं, रन 25 करें, एवरेज 8.33, फिर स्ट्राइक रेट 88 का। उसके बाद नवीन आपके पास है, 7 मैचेस में रन जो इसने करें 235, हाईएस्ट स्कोर 63, एवरेज 39 का, स्ट्राइक रेट 118 की। उसके बाद यहाँ पर हसन असीफ आपके पास है, 7 मैचेस में 101 रन एवरेज 20 की, स्ट्राइक रेट 116 ओवर 26 करवाए, विकेट 16। यहाँ पर अगर आप देखो भैया ऑस्ट्रिया सीसी की टीम आपको ज़्यादा बढ़िया करती हुई दिखेगी एज़ कम्पेयर टू कोई और टीम यहाँ पर। उसके बाद अगर मैं बात करूँ के चोपड़ा आपके पास है, 3 मैचेस में 9 रन ओवर 1 करवाया है, विकेट 1 चटकाई है। उसके बाद चेतन खन्ना एक ऐसा प्लेयर जिसके स्टेट नहीं मिले मुझे। अमित परिहार आपके पास है, 4 मैचेस में रन 33, एवरेज 14, स्ट्राइक रेट 68, ओवर 3, विकेट 1 और इकनॉमी 8 की। फिर उसके बाद सत्यम हमारे पास है, 7 मैचेस में 100 रन एवरेज 20 की, ओवर 17 करवाए हैं, 9 विकेट चटकाई हैं। सरन गिल आपके पास है, 2 मैचेस में रन्स 11, एवरेज 11। फिर उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखो स्ट्राइक रेट 50 की, 2020 में बॉलिंग नहीं करवाई पर 2019 में बॉलिंग करवाई है, ODI में बॉलिंग करवाई है, तो वो भी आप देख सकते हो 2020 के ODI में भी बॉलिंग करवाई है। इकबाल अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 6 मैचेस में रन जो इसने करें 188 रन करें और उसके बाद स्ट्राइक रेट 182, ओवर 19, विकेट 8। यहाँ पर एस जदरान की अगर मैं बात करूँ, 3 मैचेस में 11 रन और 11 ओवर में 7 विकेट चटकाई है, इकोनॉमी 7 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 1 मैच में 1 ओवर करवाया, 2 विकेट चटकाई, इकोनॉमी 9, मतलब 30 ओवर में प्लस यहाँ पर 2 विकेट भी चटकाएं। उसके बाद प्रणव खन्ना आपके पास है, 2 मैचेस में 24 रन एवरेज 12 की। उसके बाद यहाँ पर रकीब इस्लाम है, 6 मैचेस में ओवर 16, फिर उसके बाद विकेट 6, इकोनॉमी 6.77 की। एक प्लेयर है सुखविंदर परमार, इसके स्टैट्स नहीं मिले मुझे। उसके बाद लकमल की अगर मैं बात करूं, 5 मैचेस में 99 रन ओवर 33 और एवरेज 33, ओवर 16 के बाद विकेट 6, ये प्लेयर भी आपके लिए बहुत बड़े हैं। यहाँ पर आपको तो सीधे सीधे प्लेयर मिल जाएंगे कि भैया ये प्लेयर रखने हैं, ये नहीं रखना है। टीम की बात करने से पहले जिन भाई ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, जिन भाई ने अभी तक वीडियो लाइक नहीं करी है लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब नहीं करा चैनल सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसी वीडियोस और भी आती रहेंगे आपके लिए इस चैनल पर। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, दोनों प्लेयर बहुत बढ़िया हैं। टी रिजाई के मैं आपको स्टैट्स बता चुका हूँ, ए रहीमी एक ऐसा प्लेयर जिसके मुझे स्टैट्स नहीं मिले और उसकी सिलेक्शन भी इतनी नहीं है, तो इतना हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद बैटिंग सेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर है शफाक, बहुत बढ़िया प्लेयर, जैड आरिफ आपके लिए एक ठीक ठाक प्लेयर, इन सबके मतलब आपको स्टैट्स मेरे पास हैं, आपको प्रोवाइड करवा चुका हूँ। के चोपड़ा एक प्लेयर है, यहाँ पर थोड़े से डिफरेंशियल पिक्स मैंने रखे हैं और यहाँ पर एक आधे दो पिक मैंने बचा के रखे हुए हैं जो टेलीग्राम पर मैं आपको बताऊँगा एंड में। यहाँ पर मैं आपको बताऊँ एक चीज़, इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं यहाँ पर, जो ऑस्ट्रिया के इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं ना,
उनको मतलब टीम्स में डिवाइड कर दिया गया है। मतलब अगर आप देखो तो ऑस्ट्रिया CW की जो टीम है ना, ये वाली टीम, इसमें ज़्यादा इंटरनेशनल के प्लेयर आपको दिखेंगे और ज़्यादा बढ़िया वो परफॉर्म भी करते हुए दिखेंगे। ऑलराउंडिंग सेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो ऐसे हयात आपके पास हैं, सुभाष हैं, एस खान है, यहाँ पर नीचे एल कस्तूरी एक बढ़िया ऑप्शन, एन हसन एक बढ़िया ऑप्शन, पर वही है कि आपको नीचे नीचे वो प्लेयर दिखाई देंगे जिनकी सिलेक्शन बहुत कम है और जिनकी सिलेक्शन बढ़नी चाहिए। वो प्लेइंग 11 में आएंगे, आपको अपने आप सिलेक्शन बढ़ती हुई दिखेगी। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ जे सदरान, एस जदरान, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं पी खन्ना, आपके पास पी खन्ना आपको बैटिंग करके देगा, बॉलिंग बहुत कम चांसेस है इस प्लेयर के, तो यहां पर अगर आप ट्राई करना चाहो कर सकते हो, नहीं करना चाहो नहीं भी कर सकते। आई दीदार, आई अहमद आपके पास है। नीचे अगर आप देखो यू गोल के, मैं आपको स्टैट्स बता चुका हूं, वैसे एफ मोबिन के भी स्टैट्स मेरे पास हैं, वो सारे के सारे स्टैट्स आप देख सकते हो अगर आपने नहीं देखे। अभी जो सबसे पहली टीम की अगर मैं बात करूं, यहां पर कप्तान ए नईम रखे हुए हैं, वाइस कप्तान यहां पर जो रखे हुए हैं एल कस्तूरी रखे हुए हैं, यहां पर ए अरीफ रखे हुए हैं, फिर उसके बाद ए नईम रखे हुए हैं, जेड अरीफ हैं, फिर उसके बाद के चोपड़ा शफाक, फिर उसके बाद है सयाद, फिर उसके बाद है हसन, आई अहमद, आई दीदार, पी खन्ना, पूरी की पूरी टीम हमारे लिए स्मॉल लीग हेड टू हेड फेवरेबल है, बहुत बढ़िया आपको परफॉर्म करती हुई दिखेगी। यहाँ पर दूसरी टीम की अगर मैं बात करूँ जो हमारे लिए ग्रैंड लीग फेवरेबल है, ए अरीफ, ए नईम, यहाँ पर जेड अरीफ हैं, फिर उसके बाद कप्तान एच अशफाक हैं, फिर उसके बाद ए परियार हैं, सयाद हैं, हसन हैं, अल कस्तूरी हैं, फिर उसके बाद आई अहमद, वाइस कप्तान यहाँ पर आई दीदार, पी खन्ना, पूरी की पूरी टीम हमें बहुत बढ़िया परफॉर्म करती हुई दिखेगी ग्रैंड लीग में। एक स्मॉल लीग की टीम, एक ग्रैंड लीग की टीम, एक आधा प्लेयर ऐसा है जो आपको बहुत बढ़िया जितवा सकता है, वो प्लेयर मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूंगा, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ और भी आती रहेंगी आपके लिए इस चैनल पर।